Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Banwal. You are watching the UGC NET Commerce class paper 2. Now friends, this is the second class for me or also you. This is the most important class. तो चलिए मैं बता दूँ कि ये मंडे टू सैटरडे क्लास जो है ये कंडक्ट कराया जाता है, तो आप इससे जुड़ सकते हो. क्लास का लाभ ले सकते हो. जो भी स्टूडेंट जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट में ये क्लास करनी है, जो यूजीसी नेट की कॉमर्स की एक सही दिशा के साथ, मेहनत के साथ, एक सही स्ट्रेटजी के साथ करना चाहते हो, तो इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो. ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है. आप सभी का जो है एक बार फिर से वेलकम, स्वागत है कि आप जुड़िए. और एक जो है हमारे मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने आपके लिए सोचा है उसको मैं पूरा कर सकूँ. तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके यदि जो भी स्टूडेंट नए हो. तो चलिए शुरू करते हैं. तो एवरीडे जो है 8 PM ये क्लास जो है आयोजित की जाती है. तो आप सभी का जो है इससे जुड़ सकती हो, लोगों को भी बता सकते हो ताकि लोग भी जो है जुड़ सके और क्लास का लाभ ले सके. तो चलिए आज का पहला सवाल जानते हैं. जब कोई कंपनी अपने प्रत्येक उपभोक्ता को एक अलग खंड के रूप में मानती है तो इसे क्या कहते हैं? माइक्रो विपणन, नैनो विपणन, विपणन मिस क्या था, मार्केटिंग, एकल विपणन और निश विपणन. तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं. तो फर्स्ट आंसर क्या होगा इसका? माइक्रो विपणन, है ना. क्या आंसर होना चाहिए? माइक्रो विपणन. बिल्कुल सही बात है. यानी एक माइक्रो छोटा, क्योंकि प्रत्येक उपभोक्ता के लिए काम हो रहा है. तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन. प्रकारात्मक नेतृत्व का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? अल्फोर्ट एवं बेट्टी, बर्नार्ड एवं अरवेटेड, कुंजर्ड एवं ओडोनेल और हॉकमैन एवं वाल्टन तथा नेक ग्रोथ. तो ये आंसर घा है. हॉकमैन एवं वाल्टन तथा मेक ग्रोथ, इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे भी. नकदी प्रवाह विवरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वित्तीय गतिविधियों का एक उदाहरण नहीं है? ऋण पत्रों पर ब्याज, लाभांश भुगतान, ख स्थिर संपत्तियों का विक्रय, ग सार्वजनिक जमाओं से नकदी आगम, घ बैंक ऋण से का भुगतान. तो क्या होगा? खास स्थिर संपत्तियों का विक्रय यानी सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है, जिससे हम लोग कैश जो है ये होती है. तो देश में कुल शिक्षा बोर्डों की संख्या कितनी है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन दिनों शिक्षा पे चर्चा लगातार चल रही है. कई सारे बोर्डों ने जो है स्थगित कर दिया है. तो चलिए जानते हैं. का 74, खा 52, ग 40 और घ 65. तो चार में से कौन से सही ऑप्शन आपका है? 74. यानी 74 जो है बोर्ड है जिसमें से ICSE बोर्ड, झारखंड बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, बंगाल बोर्ड, इस तरह से. नेक्स्ट चलते हैं. किस राज्य ने 7 निजी विश्वविद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया है? तो झारखंड, क ख उत्तर प्रदेश, ग गुजरात और घ केरल, है ना. यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है जिसको ग्लोबली जो है लोग उसको जान सके. तो गुजरात सरकार ने हाल ही में दिया है. कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को दिया है उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा आगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में उसका लिस्ट आपको दे दूंगा. निम्न में से किसका भारत से निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा है? का हस्तशिल्प, ख रत्न और आभूषण, ग इलेक्ट्रॉनिक सामान और घ कृषि एवं संबंधित वस्तुएं. तो आंसर क्या होगा? ख रत्न एवं आभूषण, जो भी जेम्स या ज्वेलरी होती है सबसे ज्यादा इसका एक्सपोर्ट होता है. यानी इंपोर्ट तो उसके आभूषणों किया था उसका, उसको जो है उसका रीयूज करके जो है या उसको अच्छा से वर्क करके उसको फिर से बना के भेजा जाता है. लेखांकन प्रमाण पत्र 10 किससे संबंधित है? रोका प्रवाह विवरण, क ख स्थायी संपत्तियों का लेखांकन, ग ह्रास लेखांकन और घ वित्तीय विवरण का पत्र लेखांकन. तो इस चार ऑप्शन दिए गए हैं. तो क्या होगा? स्थायी संपत्तियों का लेखांकन, प्रमाप स्टैंडिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है डिप्रिसिएशन से जुड़ा हुआ है. इस पर भी एक मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ. नेक्स्ट चलते हैं. भारतीय आयात निर्यात बैंक यानी एक्जिम बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1945 में, का 1981 में, ख ग 1956 में और घ 1966 में. तो कब हुई? 1981 में हुई, है ना. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक यानी नोटों की बदली जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक के थ्रू ही की जाती है और भी बहुत इसके कार्य हैं. सामाजिक बीमा क्या है? तो का ऑप्शन भविष्य निधि, क
ख प्राथमिक रूप से व्यक्ति के जोखिम को कवर करता है, ग मातृत्व लाभ, और घ रोजगार के दौरान दुर्घटना पर कामगार को दे। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा सही आंसर होगा? तो का भविष्य निधि यानी फ्यूचर या प्रोविडेंट फंड बोल सकते हो, या भविष्य निधि इसको आप बोल सकते हो। तो ये सामाजिक बीमा है यानी सोशल इंश्योरेंस। आखिरी सवाल की ओर चलते हैं। बाहर जाने वाले साझेदार को देय राशि आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित की जाती है, उसके का पूंजी के रूप में, ख ऋण के रूप में, ग संपत्ति के रूप में, और घ दायित्व के रूप में। अब जब 11 में गए होंगे या 12 में तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, तो ऋण के रूप में, क्या ऋण के रूप में। तो ये था आज का टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्लासेस क्वेश्चंस फॉर द यूजीसी नेट कॉमर्स। तो चलिए आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज बता दूं, इंडियन फाइनेंस कमीशन के बारे में, भारतीय वित्त निगम आयोग के बारे में। तो ये एनकेएनसी वर्तमान के मेरे अध्यक्ष हैं, इनकी तस्वीरें आप देख सकते हो। तो भारतीय वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद 280 के तहत 1941 में की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य भारत में केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिचित करना था। वित्त आयोग के अध्यक्ष को प्रत्येक 5 वर्ष बाद नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अभी तक 15 वित्त आयोग नियुक्त किए जा चुके हैं। वर्तमान में एनके सिंह है इसके अध्यक्ष। 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को एनके सिंह की अध्यक्षता में की गई। वित्त आयोग का कार्यकाल प्रत्येक 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग का गठन एक संवैधानिक निकाय के रूप में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। वित्त आयोग के मुख्य जिम्मेदारी संघ और राज्य सरकारों के बीच की स्थिति का मूल्यांकन करना है, उनके बीच करों का बंटवारा और वितरण की सिफारिश करना है। यह एक अर्ध न्यायिक संस्था है। भारत के में वित्त निगम का गठन वित्त आयोग अधिनियम 1951 के अंतर्गत किया गया। 1993 में भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त निगम आयोग का भी गठन किया जाने लगा। वित्त आयोग के एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते हैं। 4 सदस्यों में 2 सदस्य पूर्णकालीन सदस्य और 2 सदस्य अंशकालीन सदस्य होते हैं। वित्त आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में पूर्णकालीन सदस्य जो है अजय नारायण झा, अशोक लहरी और अनूप सिंह है, यानी 3 उनके सदस्य बना दिए गए हैं। लेकिन इसमें जब गठन किया गया था उसमें 2-2 को जो है इसको अलग अलग डिवाइड किया गया था। इनके सचिव जो है अरविंद मेहता है वर्तमान में, और इसका अंशकालीन सदस्य डॉक्टर रमेश चंद है। ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंडियन फाइनेंस कमीशन से जुड़ी हुई। एवरीडे जो है मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर लेकर आ रहा हूँ। कल भी मैंने लिखा है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज भी। तो एवरीडे ये क्लास चलती है, सिर्फ संडे को छोड़कर, मंडे टू सैटरडे। तो आप सभी जुड़ सकते हो, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सभी का आप सभी का फिर से एक स्वागत है। ये जो भी स्टूडेंट नए हो और परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप जुड़ करके इस क्लास का लाभ उठा सकते हो, अपनी गति दे सकते हो स्ट्रेटजी के साथ। तो चलिए इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। सभा के जाते हैं तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि ऑल कॉन्सेप्ट नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। सो थैंक यू वेरी मच। ये एवरीडे क्लास आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट कॉमर्स की क्लास कर रहे हैं पेपर 2 की, तो जुड़ सकते हो मेरे क्लास से और मेरे क्लास का लाभ ले सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच।